खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की आज बड़ी बैठक होगी, लेकिन बैठक से पहले ही पार्षदों की नाराजगी सामने आ रही है। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि साधारण सभा बोर्ड मीटिंग में जो प्रस्ताव लाए गए वे प्रस्ताव नहीं है जिनके लिए साधारण सभा बुलानी पड़े। आरोप है कि जिन प्रस्तावों पर चर्चा होगी वो जनता से जुड़े नहीं है। जानकारों की माने तो पार्षदों के लंबे संघर्ष और कोर्ट की फटकार के बाद इस बैठक को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कई प्रस्ताव तो पार्षदों को राजी करने के लिए भी किए गए हैं। हालांकि महापौर का कहना है कि जो भी प्रस्ताव हैं वो पार्षदों के सुझाव और आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हमारे पार्षदों को दे रहे हैं ताकि एक तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे, प्रदूषण रहित रहे, इसमें जनता को ही लाभ मिलेगा और हमारे पार्षद जो पूरा टाइम जन सेवा में लगे रहते हैं उनको भी एक मनोबल मिलेगा कि हम नगर निगम की तरफ से जब SIs को संसाधन मिल सकते हैं, CSIs को मिल सकते हैं, तो पार्षद तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता का विजन रखते हैं, जनता के लिए पूरा दिन टाइम देते हैं, इसलिए रखे हैं। आप विडंबना देखिए कि 3 साल में मात्र एक बजट मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये दूसरी हमारी सदन सभा की बैठक है जिसमें जो बजट का एजेंडा है सीधा राज्य सरकार को भेज दिया गया है। उसके बाद जो एजेंडे यहाँ रखे गए हैं जो अनुकंपा नियुक्तियों के हैं या पार्षदों को ई व्हीकल देने का है या पार्षदों की बीट का है, इनमें कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता के हितों से जुड़ा हो, जयपुर के विकास से जुड़ा हो। ये एक बहुत ही अजीब सा मजाक बनाया जा रहा है पार्षदों का, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। ये किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साधारण सभा के मुद्दे नहीं थे, पहले तो ये EC के मुद्दे थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको रखा जाना चाहिए था और वहीं से पास होने चाहिए थे।